नमस्कार, सलाम अलैकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं। आइए नजर आते हैं आपकी खास खबरों पर। इस समय हम खड़े हैं वसई के दीवान मान में। आज छठवां दिन है, गौरी गणपति विसर्जन है। आज इस गौरी गणपति के विसर्जन के अवसर पर व्यवस्था पहले दिन से काफी बेहतर है। हमने आपको पहले दिन भी बताया था, डेढ़ दिन का गणपति विसर्जन, उस दिन भी बताया था। काफी अच्छी व्यवस्था है महानगर पालिका ने, एंट्री महानगर पालिका पूरी वसई महानगर पालिका की हद में की है। अभी अभी यहाँ महानगर पालिका आयुक्त आए थे, उन्होंने खुद इस विसर्जन का जायजा लिया और डेटा भी साझा किया। महानगर पालिका आयुक्त ने जैसा बताया कि पूरे महानगर पालिका क्षेत्र में 105 कृत्रिम तालाब बनाए गए थे। उन कृत्रिम तालाबों में करीब करीब 13,000 से अधिक विसर्जन हुए हैं इन 6 दिनों के दरमियान में। और दूसरे जो प्राकृतिक तालाबों में 10-11,000 के आसपास विसर्जन हुए हैं। कुल मिलाकर इस समय वसईनगर महानगर पालिका अंतर्गत गणपति विसर्जन का जो डेटा है लगभग 23,000-24,000 के आसपास हुआ है और 50% से ज्यादा विसर्जन महानगर पालिका मनाए गए कृत्रिम तालाब में हुआ। कृत्रिम तालाब इसके लिए ये परिकल्पना लाई गई थी कहीं न कहीं पर्यावरण को, जो तालाब के पानी को जो नुकसान होता है पीओपी से और उसको बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत अच्छी तरह से इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। और भी महानगर पालिका आयुक्त ने आह्वान किया आने वाले समय में और भी जिलों में लोगों से हम भी आह्वान करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कृत्रिम तालाबों में अपना विसर्जन करें और कहीं ना कहीं अपना त्योहार जो है बहुत अच्छे से मनाएं। आज के लिए इतना ही, वीडियो में आगे देखिए महानगर पालिका आयुक्त के क्या कुछ कहा। नमस्कार सर, आज आप यहाँ गणपति विसर्जन के पंडाल पर आए हैं, आज तक की व्यवस्था किस तरह से है, अभी तक कितने विसर्जन हुए, क्या डेटा है? गणपति और गौरी विसर्जन के इस पवित्र अवसर पर महापालिका की तरफ से अच्छी तरह से नियोजन किया गया है। इस शहर में जो 9 प्रभाग है, इन सभी प्रभागों में 58 प्लेसेस ऐसे है जहाँ पे 105 कितने नंबर्स में कृत्रिम तालाब का आयोजन महापालिका की तरफ से किया गया है। यानी कि सभी गणेश भक्त और गौरी इनको हमारा निवेदन है कि आपके गणपति का पापा का विसर्जन कृत्रिम तालाब में कीजिएगा, यानी कि आपको पर्यावरण और अच्छा रहेगा। यही आह्वान मैं इस मौके पर करना चाहता हूँ। अब तक 6 दिन तक करीबन 13,000 से भी ज्यादा गणपति बापा का विसर्जन कृत्रिम तालाब में हुआ है और टोटल करीबन 12,000 से भी ज्यादा गणपति बापा का विसर्जन जगह जगह पर हुआ है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।